रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। पाकिस्तान को इस वक्त अमन की जरूरत है, लेकिन ये हुकूमत ये पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं। इस तरह के अहमकाना हरकतों से बाज रहे आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई मिलके तदबीर सोचे सुख के सपनों की ताबीर सोचे, कोई मिलके तदबीर सोचे सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूक से अर्ज कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है, और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा। ये मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। इंटरबैंक में $1.262 का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान आज भी जारी है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज डॉलर 25 रुपए इजाफे के बाद ₹255.43 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी की लपेट में, 100 इंडेक्स में 50 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, गरीब आवाम परेशान है। पाकिस्तान, अ कंट्री ऑफ 23 करोड़ पीपल, इज नाउ पेइंग फॉर इट्स क्राइम्स। मीरपुर खास में सस्ता आटा लेने के दौरान रश में गिरकर दम घुटने से मजदूर जहाँ भाग हो गया। यानी शाहिदीन का कहना है कि मजदूर का लोगों के पैरों तले आने और दम घुटने से इंतकाल हुआ। पाकिस्तान तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। प्लान सी बना है आसिफ जरदारी इसके पीछे। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे।